जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये मॉडल, और आपने थंबनेल देखा होगा 20x45 का ये पूरा होम डिजाइन है, और ये पूरा 3D होम डिजाइन है। यदि आपके पास 20x45 का कोई प्लॉट है तो आप देख सकते हो इसका मैंने ये डिजाइन बनाया है विथ कार पार्किंग, 20x30 होम डिजाइन, ओके, विथ कार पार्किंग। तो पूरा डिटेल आज हम डिस्कस करेंगे इसका, इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों, अंदर और बाहर। और इसमें मैंने यहाँ पर दो फ्लोर बनाए हैं और लास्ट में आपस सीढ़ी को ढक दिया है। तो पूरा डिटेल बहुत ही बेहतरीन प्लान बनाया, आप देख सकते हो कार पार्किंग भी है और आप यहाँ पर बाइक पार्किंग भी मैंने बना दिया है सिर्फ 20x45 में, और बेहतरीन सा बेडरूम सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ इसका 3D मॉडल, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जैसे मैं इसको ट्रांसपेरेंट करता हूँ तो ये और भी खूबसूरत दिखने लगता है। आप देख सकते हो ये पूरा मॉडल मैं चारों तरफ से आपको दिखा देता हूँ, जो कि 20 इसकी चौड़ाई है और 45 लंबाई है। ये ट्रांसपेरेंट करके मैंने दिखाया दोस्तों चारों तरफ से, आप देख सकते हो फ्रंट और इसका जो भी है। अब मैं इसको इसकी ट्रांसपेरेंसी रिमूव करके आपको डिस्कस करने वाला हूँ, ये देखिए। तो यदि आप ऐसे ही वीडियो या ऐसे ही और भी आपका कोई प्लॉट है बनवाना चाह रहे हैं तो न्यूटेक नाम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया। यदि आप वीडियो देख रहे होंगे तो वहां पर रेड कलर का बटन आता है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और क्योंकि मैं यहां पर लगातार अपडेटेड और वीडियो लाता रहता हूं जो भी होम डिजाइनिंग से वीडियो होते हैं, जैसे कि 12x20 का अगर आपके पास प्लॉट है, या 20x35 का है, या 25x50 का है, 20x40 का है, 12x30 का, मतलब बहुत सारे होम डिजाइनिंग यहाँ पर पड़े हैं। आप जो भी आपका सुटेबल लगे, जो भी आपको जैसा भी आपके पास जगह हो उस हिसाब से अपना होम डिजाइन देख सकते हो, तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो मॉडल जिसका नाम है 20x45। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्राउंड फ्लोर। आप फ्रंट्स में आपको दिखा देता हूँ, इसकी चौड़ाई की बात करूं तो ये टोटल है 20 फिट ये चौड़ा, ठीक है, और लंबाई की बात करूं तो आपको मैं बता चुका हूँ 45 फिट। ओके, अब आज चलता हूँ ग्राउंड फ्लोर पर। तो जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पे आएंगे तो पहले फ्रंट से देखिएगा, जो आपको एक टावर से दिख रहा है ये दोस्तों मैंने थोड़ा डिजाइनिंग के लिए बनाया है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं, आप पे डिपेंड करता है। तो ये आप देख सकते हो, जो अगर मैं बात करता हूं यहां पर आगे वाले पोर्शन की, मैं यहां से जो दोस्तों ये गेट लगा है यहां से लेकर यहां तक 15 फिट का पूरा पोर्शन मैंने निकाला है आगे, और बचता है 45 में अगर 15 घटा दो तो यहाँ पर बचता है 30 फीट। 30 फीट में ये पूरा मैंने पार्टीशन बनाया है। तो यहाँ थोड़े काफी बड़े बड़े रूम बना दिए हैं मैंने। अगर आपको और भी कोई डिजाइन इससे रिलेटेड छोटे रूम वाले चाहिए, ज्यादा रूम चाहिए, तो उसका भी मैंने वीडियो यहाँ पर बना रखा है पहले से, आप उसको देख सकते हो। तो यहाँ पर जो 15 वाले में है टोटल, जो अगर 20 की चौड़ाई करे तो जो मैंने यहाँ ये वाला पोर्शन निकाला ये अप्रोक्स 12 फिट का है, ये मैंने यहाँ पर नहीं सॉरी ये है 11 फिट का, ये है 9 फिट का। तो टोटल क्योंकि गाड़ी 6 फिट की चौड़ी होती है अप्रोक्स, तो यहाँ पर ये टोटल बात करें तो 9x15। ओके, ये कितना है आपका 11x15। अब 11x15 में मैंने यो जो 4 फिट का ये आगे निकाल दिया, टोटल यहाँ पर आपका बचता है आगे 11x11 का ये रूम, एक बेडरूम निकल आता है। और जैसे आप अंदर से यहां से एंट्री करेंगे, ये खिड़की दे दिया है मैंने, यहाँ पर भी खिड़की दे दिया इस रूम के लिए दोस्तों, मैंने अंदर से गेट दिया है यहाँ पर। अब आसानी से 4 फिट मैंने इसलिए निकाल दी, यहाँ पर बाइक या साइकिल आपके पास जो भी पार्क कर सकते हैं, और यहाँ पर अपनी 4 व्हीलर भी पार्क कर सकते हैं इसका। जैसे आप एंट्री करते हैं मेन दरवाजे से तो आप अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो ये जो 30 फिट का बचा था टोटल, ठीक है ना, तो ये 15x15 में डिवाइड कर दिया मैंने। अब जो किचन आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये तो रूम एक निकाल दिया मैंने, ये टोटल जो मैंने बताया था 11x15, 11 की चौड़ाई 15 लंबाई जो मैंने बताया, ये तो रूम निकल आया आपका बेडरूम। अब जो ये पोर्शन बचता है 9x15 का, तो इसमें मैंने पीछे लेटरिंग और बाथरूम कंबाइंड कर दिया है ये दोस्तों, ठीक है। ये आप जो इसका पोर्शन देख रहे हैं ना, ये टोटल 6 फिट है और ये 9 फिट है, 9 फिट की चौड़ाई, लंबाई बात करें 6 फिट है, तो 9x6 का ये मैंने आपका लेटरिन और बाथरूम निकाल दिया। यहाँ पर ओपन आप यहाँ दीवार भी खड़ी कर सकते हो, इसको बंद भी कर सकते हो किचन के लिए। तो दोस्तों में लेकर मैंने ओपन किचन बना दिया, जिसमें आपको और भी बेहतरीन जगह मिल जाए, यहाँ पर अपना किचन आप मैनेज कर सकते हो सारी चीजें। और ये जो बचता है 20x15, तो इसमें मैंने ये सीढ़ी दे दी, आपको देख सकते हो ये यहाँ सीढ़ी, आप ऊपर चढ़ जाएंगे और इस तरफ आप आसानी से अपना सोफा या जो भी डालना चाहे, खूब बहुत सारा लॉन निकल आएगा और इसमें आप सारी चीज मैनेज कर सकते हो, अपना एक हॉल सा भी बना रहेगा, एक खुला बिल्कुल घर है। ये आपका लेटरिन बाथरूम हो गया, ये किचन हो गया, ये आपके 2 बेडरूम निकल आते हैं, ये पार्किंग गाड़ी के लिए हो गया।